बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2.1 ऑफ चैप्टर 2। इस एग्जाम्पल में हमको 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, और हमें गिवन है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये हमें गिवन है। तो बच्चों एंगल की यूनिट रेडियंस और डिग्री तो आपने पढ़ी है, और हमने पिछली वीडियोस में बात की थी कि मिनट और सेकंड किस तरह से एंगल की यूनिट होती हैं। एक बार मैं आपको वही थोड़ा सा और रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। बच्चों इस तरह से अगर कोई सर्कल होता है तो उसके सेंटर पर ये जो एंगल बनता है ये एंगल होता है 360 डिग्री, ये हमें पता है। और ये जो 360 डिग्री होते हैं ये इक्वल होता है 2π के, ये भी हमको अच्छे से पता है। अब बच्चों अगर ये जो 360 डिग्री का एंगल है इसको हम इक्वली 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लें इस तरह से। यहाँ समझने के लिए मैं ये थोड़े से एंगल लार्ज बना रही हूँ। वैसे आपको पता है कि 1 डिग्री एंगल इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इस तरह से अगर हम इसके 360 पार्ट्स कर लें तो ये जो एक पार्ट होगा ये 1 डिग्री का होगा हमारे पास। अब बच्चों इस 1 डिग्री को, ये जो हमारे पास सपोज़ ये 1 डिग्री का एंगल है, इधर थोड़ा और समझने के लिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं, इसके फर्दर 60 पार्ट्स किए जाएं, अगर इस तरह से यहाँ पर 60 पार्ट्स किए जाएं तो जो इसका एक पार्ट बनेगा ये हो जाएगा 1/60th पार्ट। तो 1/60th पार्ट जो होगा 1 डिग्री का वही बच्चों होता है 1 मिनट, ठीक है। तो ये 1 मिनट क्या है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये यहाँ पर रेडियन में है ना बच्चों, तो 1 डिग्री जो है 1 डिग्री में हो जाते हैं फिर 60 मिनट्स। फिर उस 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर लें अगर, तो जो 1 मिनट है वो फिर 60 सेकेंड के इक्वल आ जाता है। तो बच्चों हमें ये वैल्यूज़ यूज करनी है इस क्वेश्चन में, तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी नो दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π बाय 360। तो अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, बस 3.14 हमने ये पाई की वैल्यू पुट कर दी है, और सिंपली बस हमने इसको डिवाइड कर लिया है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10^-2 रेडियन हमें वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों अब सेकेंड पार्ट में हमको 1 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो अब हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और वी कैन राइट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट ही की है, तो यहाँ पर हम 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में पुट कर सकते हैं। तो जो 60 मिनट्स हैं वो इक्वल हैं 1.745 इंटू 10^-2 रेडियन के। इस तरह से हमने यहाँ से फिर 1 मिनट की वैल्यू फाइंड कर ली 60 से डिवाइड करके। और जब हम ये डिवाइड करते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें मिलता है 2.91 इंटू 10^-4 रेडियन बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास 1 मिनट की वैल्यू आ जाती है रेडियन में। थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है 1 सेकेंड की वैल्यू। तो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट बाय 60, और ये 1 मिनट की जो वैल्यू है उसे पुट कर देंगे, तो ये 1 मिनट की वैल्यू है इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो हमें 1 सेकेंड की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 4.85 इंटू 10^-6 रेडियन। तो इस तरह से हमने रेडियंस में वैल्यू फाइंड कर ली 1 डिग्री की, और फिर यहाँ पर 1 मिनट की, और यहाँ 1 सेकेंड की। ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन ही है, कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। पर जो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.2, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसे और देख लेते हैं। बच्चों अब सॉल्व करेंगे हम एग्जाम्पल 2.2। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन विशेज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड स्पॉट्स अ वेरी
distant object O in the line with AC. He then walks perpendicular to the AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या है उसको हम एक बार थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं. तो बच्चों क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि इस तरह से एक टावर है किसी पोजीशन सी पर. तो ये सी पॉइंट पर हमने मान लिया कि यहाँ पर एक टावर इस तरह से है. अब इस टावर से कुछ डिस्टेंस पर है मैन. यहाँ पर मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर मैन है. द मैन वॉन्ट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम टावर. मीन्स उसको क्या कैलकुलेट करना है, ए सी कैलकुलेट करना चाहता है वो. अब वो ए से किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता है, जो काफ़ी दूर है ऑब्जेक्ट एक, उसको देखता है वो इसके अलोंग, इस लाइन, ये जो है ना ए सी लाइन, इसके अलोंग देखता है. फिर वो परपेंडिकुलर मूव करता है अपनी पोजीशन से इस तरह से. मीन्स ये जो ए सी है इसी के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो ऐसे मूव करता है और बी पॉइंट तक आ जाता है. ये वैल्यू हमें गिवन है 100 मीटर ए टू बी की. ए से बी तक वॉक करता है 100 मीटर. तो ये हमने इस तरह से किया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली. बच्चों वो अब बी पोजीशन से भी ओ को देखता है. O is at distant point, इसलिए A से देखने पर और B से देखने पर इसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं लगता है. जैसे आप ये सोच लीजिए कि आप सन को देख रहे हैं या मून को देख रहे हैं जो काफ़ी दूर हैं, तो आप अगर 100 मीटर वॉक करके देखेंगे तो आपको उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं लगेगा. पर बच्चों जो ऑब्जेक्ट पास में है उसकी पोजीशन में काफ़ी हमें चेंज लगता है. तो जब वो B से C को देखता है, यहाँ B से उसने C को देखा, तो ये थीटा डिग्री का एंगल यहाँ पर बना और इस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 40 डिग्री है. ये पैरेलेक्स एंगल है. बच्चों पैरेलेक्स एंगल आपको पता है ना कि किसी एक ऑब्जेक्ट को जब दो डिफरेंट पॉइंट से देखा जाता है इस तरह से तो उसकी पोजीशन में कुछ चेंज आता है, तो वही होता है पैरेलेक्स एंगल. तो वही यहाँ पर है, ये पैरेलेक्स एंगल है कि यहाँ से यहाँ तक आकर उसने जब सी को ऑब्जर्व किया तो इतने एंगल का डिफरेंस मिला उसको. तो अब जब हमें ये थीटा पता है तो यहाँ ये भी एंगल थीटा हो गया ना. ये पैरेलल लाइंस हैं और ये इसको क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो गए. अब हमें ये थीटा की वैल्यू पता है, हमें ये डिस्टेंस पता है, तो अब ए सी कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा कि हम यहाँ से tan थीटा ले लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस और फिर बेस फाइंड कर लेंगे. तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. बच्चों अब ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से है. यहाँ पर सी टावर ऐसे है और इधर ये ए है मैन और ए से वॉक करके वो बी तक गया. ये है 90 डिग्री का एंगल, इस तरह से वॉक किया है. थीटा ये पैरेलेक्स एंगल, तो हमें ये थीटा भी मिल गया. अब हमें ए सी फाइंड करना है. तो बच्चों इस फिगर से tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस और यहाँ से हमने ये बेस फाइंड कर लिया. ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन tan थीटा. ए बी की वैल्यू गिवन है हमें 100 मीटर और यहाँ थीटा है 40, तो tan 40, तो tan 40 की वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे. तो 100 अपॉन 0.8391 ये tan 40 की वैल्यू है बच्चों. तो ये डिवाइड करके बच्चों हमें मिलता है 119.17 मीटर. यही है हमारा आंसर. मैन की डिस्टेंस फ्रॉम टावर हमने कैलकुलेट कर ली है.